Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna Samsung Galaxy S21 Fan Edition in 2023. जी हाँ, हाल ही में Samsung ने अपने S21 Fan Edition को रिबूट किया विद Snapdragon 888, जिसमें हमें पहले Exynos 2100 देखने को मिला था. अब बताया जा रहा है कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और अब ये वेरिएंट अवेलेबल होगा. अब इसमें क्या क्या खास है, क्या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे. अब शुरुआत करते हैं चिपसेट से ही. Snapdragon 888 डेफिनेटली Exynos 2100 अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो काफी सिनेरियोस में आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें थर्मल्स थोड़े उससे बेहतर है. Exynos 2000 थोड़े थोड़ा ज्यादा हीट होता था, ये भी होता है बट उतना नहीं होता. मैक्स हमने 43 सेल्सियस सीपीयू थ्रॉटल वगैरह देखा, स्कोर भी यहाँ पर ठीक थे. एंड्रॉइड भी दोस्तों अराउंड 7 लाख के आसपास है. हालांकि है पुरानी चिपसेट, थोड़ा नया चिपसेट भी यूज करते हो ज्यादा अच्छा होता, बट हाँ, लेकिन आपको वो फील अच्छा देगा. क्योंकि परफॉर्मेंस की अगर ओवरऑल बात करूं तो प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको डे टू डे लाइफ यूज करिए, कैमरे में फोटोज लीजिए, गेम वगैरह के लिए मल्टीटास्किंग करिए, क्योंकि आपको उसमें LPDDR5 UFS 3.1 वगैरह मिलता है. वहां पर हैंग, लैग, स्टटर वगैरह कुछ भी हमने नोटिस नहीं किया. तो Snapdragon वर्जन अगर आपको लगता है कि इस प्राइस पर इस फोन में अगर आपको अभी लेना चाहिए तो डेफिनेटली आपको इसमें देखने को मिल जाता है. एक और सबसे बड़ी की सेलिंग पॉइंट इस फोन की ये कि आपको उसमें अप टू एंड्रॉइड 16 तक अपडेट्स मिलेंगे. जी हाँ, ये हमने ब्रांड से कंफर्म किया है, यानी कि आपको एंड्रॉइड 16 तक भी अपडेट्स इसमें देखने को मिल जाएगा. और उम्मीद करते हैं कि सैमसंग वैसे तो पुश कर ही देता अपडेट्स, इसमें भी आपको जल्दी अपडेट्स मिल जाएगी. साथ में इसमें क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ज्यादा कोई प्री इंस्टॉल एप्स नहीं है, कोई एड्स ब्लोटप्रेस का लफड़ा नहीं है. सैमसंग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया होता है. नॉक सिक्योरिटी है, सिक्योर फोल्डर है, सैमसंग पे वगैरह जैसे कि सैमसंग वॉलेट है वो सब कुछ मिलेगा. ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन में आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है. और साथ ही साथ दिखने में भी ये अब जो हमारे पास कलर है ये नेवी ब्लू है, आपको और भी कलर्स देखने को मिलेंगे. पॉलीकार्बोनेट बैक है, आपको मेटल फ्रेम यहाँ पर मिलते हैं. साथ ही साथ ये IP68 रेटिंग्स के साथ आता है. बहुत सारे ब्रांड्स आजकल कितने भी प्रीमियम फोन्स लॉन्च करते हैं ज्यादातर हमें IP68 रेटिंग्स नहीं देती, बट वो आपको इस वाले फोन में देखने को मिल जाता है. और ये जो काउंटर कट डिजाइन वगैरह भी जो दिया है, जो सिंगल उन्होंने अटैच किया है कैमरा लेआउट के साथ में जो बैक को, ये डेफिनेटली दिखने में काफी मिनिमलिस्टिक लगता है. कैमरा भी दोस्तों अगर ऑनेस्टली कहूं तो इस प्राइस रेंज पर आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है. 12 मेगापिक्सल प्राइमरी विद OIS, आपको 4K वीडियो 60fps पे शूट करने मिलता है. उसमें आपको सुपर स्लो मोशन वीडियोस आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आप निकाल सकते हैं. साथ ही साथ आपको उसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया स्टेबल वीडियोस आप अच्छी क्वालिटी में निकाल सकते हैं. फिर आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है, अल्ट्रावाइड शॉट्स भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी आप यहां पर निकाल सकते हैं. और 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेंसर मिलता है, जिसमें मैक्स आप 30x यहां पर जूम कर सकते हैं और वो भी यहां पर आप फोटोज वगैरह देख सकते हैं. बहुत सारी ब्रांड्स इस प्राइस रेंज पर टेलीफोटो नहीं देती है, सैमसंग के फोन्स में हमें देखने को मिल जाता है. और 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी दी गई है और यहां पर 4K 60fps मिलता है. इसमें भी बहुत सारी ब्रांड्स 4K नहीं दे पाती है, फुल HD 30fps या फुल HD 60 पर अटकती है, बट सैमसंग यहाँ पर वो दे रहा है. और फोटोज थोड़े बहुत आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने पहले बताया था, अनबॉक्सिंग तो डिटेल में की थी, लेकिन यहाँ पर हाँ फोटोज वगैरह देखोगे तो क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम है. अच्छी क्वालिटी की फोटोज चाहे वो दिन हो या रात हो. इस प्राइस रेंज पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं डेफिनेटली सैमसंग S21 फैन एडिशन ही रेकमेंड करूंगा अगर बेस्ट कैमरा फोन की बात आती है. डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.4 इंच आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस वाली, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है. पंचोल बहुत ज्यादा छोटा है, आपको चिन भी काफी कम देखने को मिलती है. स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, आउटडोर इनडोर विजिबिलिटी एकदम कमाल की थी. एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस होगा डिस्प्ले में, जो हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया था. और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस की डिस्प्ले पर प्रोडक्शन दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में स्क्रैचेस जल्दी नहीं देखने को मिलने वाले हैं. और रही बात बैटरी की भी, तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और 25W चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है, इसका चार्जिंग सपोर्ट अलग से आपको खरीदना पड़ेगा. तो यहाँ पर इसको लगभग एक घंटा 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट लगेगा फुल चार्ज होने के लिए. और बैटरी दोस्तों अच्छा है, फुल डे आप हमने जो मिक्स्ड यूज किया, हमने एक दो दिन यूज किया है, उसके हिसाब से पूरा दिन यहाँ पर आराम से बैकअप मिल जाएगा. तो यहाँ पर जाते जाते दोस्तों कंक्लूड करते हैं और बहुत सारी चीजें आपको इस फोन के बारे में बतानी है. एक तो अगर आप कंपटीशन उठाकर देखते हैं, क्योंकि अभी जो इसकी प्राइस है वो 50,000 की है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, आपको कुछ बैंक ऑफर्स दे रहे, 5000 चीजें ऑफ हो जाता है और 45,000 की इसकी इफेक्टिव प्राइस हो जाती है. 45,000 के अंदर हमें अगर कंपटीशन उठाकर देखते हैं तो इसमें आपको प्रीमियम कैमरा सेटअप मिलता है, बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, डिस्प्ले काफी अच्छा है और साथ ही साथ आपको सैमसंग ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस वगैरह मिल जाती है. तो ये एक रीजन यहाँ पर है जो मैं उन लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ जो इस प्राइस रेंज पर एक सैमसंग का फोन ढूंढ रहे और ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए बेस्ट बाय हो सकता है. इतने दोस्तों वीडियो के अंदर, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर इनके साथ उसके बारे में कुछ देखना है, लॉन्ग टर्म रिव्यू वगैरह हम जरूर करेंगे और कंपैरिजन देखना है तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताना. तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग.